नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रेजेंटेशन ज्वाइन करने के लिए। मेरे को पता है कि आप सब टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, पर फिर भी मैं आपसे सिर्फ 2-3 मिनट चाहता हूँ। आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए नहीं, बल्कि मेरे को आपका दिल चाहिए, आपकी कल्पना और सॉफ्ट सहानुभूति। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए प्लीज़ कल्पना कीजिए कि आपके घर के बाहर बर्फ गिर रही है, अंधेरा अंधेरा सा छाया है, टेम्परेचर लगभग -25 से -30 डिग्री है और आप सुबह उठ के रसोई में आए हैं, बुखारी के पास बैठकर परिवार के साथ चाय पी रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आज से आपके घर में नलके से पानी नहीं आएगा अगले 4-5 महीने तक, और 5 मिनट बाद आपको गर्म कपड़े पहनकर, भारी जूते पहनकर, सर को ढाक कर इस गिरती हुई बर्फ में, ठंडी हवा में आपको बाहर जाना है और 2-3 किलोमीटर यानी आधा घंटा बर्फ पर चल के पहाड़ी से नीचे उतरकर नदी तक जाना है। वहां पर 2 भारी भारी चेरी कैंस आप भरते हैं और फिर उनको पीठ पे लाद के आपको वापस आना है। इस बार पहाड़ी चढ़ के 40 मिनट चल के गिरते पड़ते बर्फ पर स्किन को काटती हुई ठंडी हवा के साथ आप वजन से झुक गए हैं और 13,000-14,000 फीट ऊंचाई में, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण आपका सांस फूल रहा है, आप आ जाते हैं घर की गर्माहट में 40-50 लीटर पानी लेके, यानी 4-5 बाल्टी पानी, जिससे आपके परिवार को पूरा दिन चलाना है, खाना बनाना, पीना, गाय बकरी को देना, सब कुछ इस 4-5 बाल्टी पानी से। और अब कल्पना कीजिए कि अगले दिन फिर सुबह उठ के ऐसे ठंड में, जब बिस्तर से भी उतरने का जी नहीं करता है, कष्ट होता है, आपको यही करना है। और फिर अगले दिन और अगले 4-5 महीनों के लिए हर एक दिन और फिर हर एक साल आपके शीतकालीन जिंदगी के कल्पना करना भी शायद मुश्किल है ना? तो इस प्रेजेंटेशन को दिल से महसूस कीजिए प्लीज। टेक्निकल सॉल्यूशन तो हम सब मिलके निकाल ही लेंगे, लेकिन दिल से महसूस करने पर ही ये हम जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर सकेंगे और इस अकल्पनीय कष्ट से, इस असंभव सी कष्ट से हमारे गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को मुक्त कर सकेंगे। हमारे देश के पर्वतीय भाग में, हिमालय के गोद में बसे इन सैकड़ों गांव में तकरीबन दिसंबर से मार्च तक घरों में पानी नहीं आता है। इसकी वजह यह नहीं है कि पानी नहीं है, पानी के सोर्सेस तो हैं, लेकिन इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक्स नहीं है, पाइप्स जमीन से 5 से 6 फीट नीचे लेट नहीं है, एक्सपोज्ड वेल्व्स हैं और इसकी वजह से पाइप्स में पानी फ्रीज कर जाता है, पाइप्स बर्स्ट कर जाते हैं और घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। घरों तक, हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशंस में डायरेक्ट पानी ना आने से सैनिटेशन, हॉस्पिटल ऑपरेशंस, बिजनेसेस, स्कूल्स, महिषों को पानी देना, लाइफ स्टॉक मेंटेनेंस एक्सेट्रा की बहुत भारी समस्या है इन सब गाँव में। इनकम जनरेशन नहीं हो पाता है और भारी भारी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक लो बैक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इन गांव में। आइए देखते हैं कि विंटर में इन गांव में वाटर का सिचुएशन कैसा है। सबसे बड़ी बात है कि पानी है और 3 ऐसे सोर्सेस हैं विंटर में जिनको पानी के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। पहला है मेल्टिंग स्नो। तकरीबन 2 से 10 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों पर ये सोर्सेस से थ्रू आउट विंटर पानी आता है और यही पानी यूज किया जाता है फॉर कंटिन्यूस फ्लो से कलेक्शन करने के लिए। जेरी कैन भर के गांव वाले लेके जाते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स से। ऐसे कुछ सोर्सेस फ्रीज भी कर जाते हैं क्योंकि पाइप्स पर लीकेजेस, ब्रेकेजेस हैं, वाटर ट्रैप हो जाता है, तब ये सोर्सेस को विंटर में यूज नहीं किया जा सकता है। दूसरा है नदियाँ। हमारे हिमालय की नदियाँ विंटर में फ्रीज नहीं करती हैं और ये एक सोर्स यूटिलाइज किया जा सकता है विंटर में भी टू पंप वाटर या कंटिन्यूस फ्लो से वाटर कलेक्शन करने के लिए।
और अच्छी बात यह है कि रिवर्स का पानी विंटर में काफी साफ सुथरा रहता है। अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स, ये सोर्सेज यूज करके जल शक्ति विभाग ने काफी हैंडपंप्स बनाए हैं, कुछ मोटराइज भी हैं, और अभी ये यूज किया जाता है विलेजर्स को अपने जेरी कैंस भरने के लिए, और विलेजर्स इनको मेंटेन भी करते हैं ब्लैंकेट रैप करके, टायर जला के आग से उनको हीट करके, और ये हैंडपम्प्स विलेजर्स के दो तीन पॉइंट्स में रहते हैं जहाँ से विलेजर्स पानी को कलेक्ट करते हैं और फिर जेरी कैन भर के पीठ पे लाद के लाते हैं। वाटर स्टोरेज, इस सॉल्यूशन और इस प्रपोजल का बहुत अहम हिस्सा है वाटर स्टोरेज टैंक्स, जो अभी इंसुलेटेड नहीं है, उनके वाल्व्स भी एक्सपोज्ड हैं, और इस वजह से विंटर में उनको अभी यूज नहीं किया जा पा रहा है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन विंटर मंथ्स में गांव वालों के घरों में पानी आता है, क्योंकि पानी के सोर्सेस से रिवर्स से पंप करके या ग्रेविटी फीड से स्टोरेज टैंक्स तक, और फिर पंप या ग्रेविटी फीड से घरों तक पहुंचाया जाता है थ्रू एचडीपी पाइप्स। लेकिन विंटर में सेम सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पाइप्स एक्सपोज्ड हैं या वेरी शैलो डेप्थ पर हैं, और स्टोरेज टैंक्स भी इंसुलेटेड नहीं हैं, तो विलेजर्स कलेक्शन पॉइंट से हैंड पंप्स के जरिए जरी कैन फिल करके घरों तक पहुंचते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं पानी की कमी और डायरेक्ट होम सप्लाई ना होने के कारण। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हॉस्पिटल में पानी की कमी, जिससे सैनिटाइजेशन नहीं हो पाता है, क्लिनलीनेस मेंटेन नहीं किया जा सकता है, और इस वायरस के वजह से आजकल आप देख ही रहे हैं कि कितना हाथ धोना पड़ता है, कितने इक्विपमेंट्स धोने चाहिए, पर ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है विंटर में इन सब गाँव में। बड़े बुजुर्ग महिलाओं बच्चों को भारी भारी जेरी कैंस ढोना पड़ता है बर्फ पर गिरते पड़ते, अपने पीठ पे लेके वो घरों तक वापस जाते हैं पानी को लेकर। बच्चों के परमानेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाता है, लोअर बैक इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं इन गाँव में, और इस वजह से उनका एजुकेशन भी बहुत सफर कर रहा है। काफी लिमिटेड पानी होने के वजह से लॉजिस्टिक्स में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या माइग्रेंट वर्कर्स भी घर ऐसे गांव छोड़ के चले जाते हैं विंटर की वजह से, ठंड की वजह से, और पानी की कमी की वजह से घरों में पानी नहीं आने से सैनिटेशन नहीं हो पाता है, तो इससे एक बहुत बुरा असर पड़ता है ओवरऑल लाइफस्टाइल और हेल्थ प्रॉब्लम्स पर। स्कूल्स, होटल्स, होमस्टेज, छोटी छोटी बिजनेसेस, खाने की जगहें बंद करना पड़ता है, जिससे लोकल्स का इनकम जनरेशन पे इफेक्ट पड़ता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है, और गवर्नमेंट के लिए भी ये एक लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है। हमारे बुजुर्गों को ऐसे गांव से चले जाना पड़ता है अपने नज़दीकी करीबी अपने रिलेटिव्स से, और नीचे प्लेन्स में जाके उनको घर रेंट करना पड़ता है, तो ये एक बहुत दुख की बात है कि उनको अपना गांव छोड़ के जाना पड़ता है। और एक जो चीज़ ये लास्ट कुछ सालों से हो सकता है, विंटर टूरिज्म जो पिकअप कर सकता है, ये सब गांव बहुत सुंदर होते हैं जब बर्फ गिरता है, और लोग आना चाहते हैं ताकि वो एक्सपीरियंस करें, देखें इस सुंदरता को, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि होटल्स, होमस्टेज बंद हैं, खाने की जगहें बंद रहती हैं पानी की कमी की वजह से। तो ये विंटर टूरिज्म की वजह से लोकल्स का इनकम जनरेशन और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ के लिए भी काफ़ी असर पड़ता है। आइए कुछ तस्वीरें देखते हैं जिससे ये सिचुएशन उभर के आता है, पानी की कमी का सिचुएशन। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये जेरी कैंस लाइन से लगाए हुए हैं, ये एक कलेक्शन पॉइंट है जहाँ से गांव वाले जेरी कैंस भर के अपने घरों तक लेके जाते हैं, और ठंड में उनको वेट करना पड़ता है एक एक करके पानी भरने के लिए। बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं स्नो में जब भी वो बर्फ़ पे ये पानी कैरी करते हैं, और इससे उनको इंजरी भी होने का काफ़ी डर रहता है, और सिर्फ बच्चे नहीं, ये फोटोग्राफ बच्चों का है, पर बुजुर्ग महिलाएं सबके लिए ये काफ़ी एक डेंजरस सा सिचुएशन है। और बहुत भारी भारी बाल्टियाँ हैंडपम्प से भरना पड़ता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे हैंडपम्प से एक या दो बार भी पंप करते वक्त इस विंटर में इस ऊँचाई में सांस फूल जाता है, ये मैंने खुद कोशिश करके देखा है, कितनी भारी कष्ट है ये करने पर ही पता चलता है। ये आप देख रहे हैं महिलाएं नदी के पास जाके पानी से जेरिकैंस भर रहे हैं, और फिर यही जेरिकैंस वो लेके जाते हैं पहाड़ियों पे चढ़ के, 2-3 किलोमीटर चढ़ के वापस, ये पहाड़ी से नीचे जा रहे हैं पानी कलेक्ट करने के लिए।
और ऐसे वापस आते हैं वो जेरिकेंस भर भर के बास्केट में डाल के अपने घरों तक इस टेम्परेचर में। और ये सबको करना पड़ता है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, भाई बहन, सबको कुछ इस तरह। कुछ प्रमुख निवासियों से सुनते हैं इस समस्या के बारे में उनकी क्या राय है। The wards, OPD section, each and every section should be clean. As we mop our hospital every day, so it's very important that what we have water in hospitals, even in the winters like in summers. Also, I've seen a big, there's a big concern. In OPDs, we have patients who come into the hospital with complaint of low backache. It can be acute, it can also be chronic. This happens because in winters, the patients have to lift loads of water on the back. Sometimes it's a 20-liter can, sometimes it's a 40-liter can. So lifting this heavy weight on our back is very detrimental to the spine for a longer period. Because usually our spine is not conditioned to lifting this heavy load on each and every day on a regular basis for a long time. And yes, in winters we have concerns that even of the sanitation, because the water is not readily available to us in winters like in some. जब से मैंने वार्ड संभाला है यहाँ पे लोग जो पानी पीठ में उठा के लाते थे, और आज के युग में इसी सदी में लोग अभी भी पीठ में पानी उठा के लाते हैं। जैसा कि स्पोर्ट्स में जुड़े होने की वजह से मुझे देश और विदेश में कई जगह घूमने का मौका मिला है, तो मैंने स्पीति से भी ज़्यादा ठंडे देश देखे हैं, वहाँ तो पानी का कोई समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में स्पीति में भी समस्या नहीं होनी चाहिए पानी के लिए। विंटर में यहाँ के घरों में पानी आ जाए तो यहाँ के स्पीति वालों की लाइफ काफ़ी आसान हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बर्फ काट के और बहुत दूर से पानी धो के लाना पड़ता है। वहाँ पानी भरने के लिए हमें केन उठा के पीठ पर लाना पड़ता है, और कई बार इसमें बड़े बुजुर्ग और बच्चों को फिसलने के कारण चोट भी लग जाती है, क्योंकि हर कहीं बर्फ़ जमा होने के कारण रास्ता तंग है और बर्फ़ जमी रहती है, जिस कारण लोग फिसल कर गिर जाते हैं। और सर्दियों में हम अपने मवेशियों को भी पानी उसी रास्ते से होकर पीठ पे ला के ही पिलाते हैं, जिस कारण बच्चों का ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाता है। और हमें पूरी तरह से जो है हर दिन जोखिम लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए और फिसल ना जाए बच्ची, और इस कारण बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी तो क्या गोल्स हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रपोजल का, आइए देखते हैं। तो पहला गोल है कि हम 200 लीटर पानी प्रतिदिन एक एक फैमिली को पहुंचाएं डायरेक्टली उनके घरों तक, ताकि उनको बाहर जाके इस ठंड में ये कलेक्ट करके अपने पीठ पे लाना ना पड़े। तो 200 लीटर प्रतिदिन पर एक एक फैमिली के लिए घरों पर डायरेक्टली। इंश्योर करें कि एनफ और डायरेक्ट सप्लाई ऑफ वाटर हम पहुंचा सके टू द हॉस्पिटल्स, और पहुंचा सके एडिक्वेट और डायरेक्ट सप्लाई ऑफ वाटर स्कूल्स को, बिजनेसेस को, अदर एस्टेब्लिशमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस को, ताकि उनको विंटर सीजन में अपने इंस्टीट्यूशंस वगैरह बंद ना करना पड़े पानी की कमी की वजह से। इंश्योर करें कि हमारे रेसिडेंट्स बुजुर्ग, ताकि किसी को भी घर छोड़ के जाना ना पड़े, अपना गाँव छोड़ के जाना ना पड़े नज़दीकी लोगों से वाटर शॉर्टेज की वजह से। और सबसे बड़ी बात कि हम सब गांव के विलेजर्स का हेल्थ बरकरार रखें, बच्चों को बैक प्रॉब्लम्स ना हो, बच्चों की पढ़ाई सफ़र ना करे, और ये हेवी लोड्स कैरी करने से और लैक ऑफ सैनिटेशन की वजह से जो सब हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इन गांव में, ताकि वो ना हो। तो ये है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रपोजल। तो प्रपोज सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन को हम चाहें तो दो पार्ट में सोच सकते हैं। तो पहला है रेप्लीकेटिंग द नॉन विंटर मंथ में जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको ही रेप्लीकेट करें, लेकिन विंटर मंथ्स में। और उसको करने के लिए हम कुछ एडिशंस और चेंजेस करना पड़ेगा हमको, जैसे कि स्प्रिंग कैचमेंट बॉक्स या हेडर टैंक एट द सोर्स बनाना है, और वाटर स्टोरेज का जो फैसिलिटी है उसको इंसुलेटेड करना है। ऑर्डिनरी पाइप्स 5 से 6 फीट अंडरग्राउंड या प्री इंसुलेटेड पाइप्स ज़मीन से 3 फीट अंडरग्राउंड ले करना है।
एक प्रोसेस बनाना है ऑफ मैनुअल ड्रेनिंग ऑफ द पाइपलाइंस लोएस्ट पॉइंट्स में ड्रेन वाल्व्स यूज करके आफ्टर द डेली सप्लाई, ताकि हर एक दिन डेली सप्लाई के बाद डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग नेटवर्क फ्री रहेगा पानी से, तो पानी फ्रीज नहीं करेगा पाइप्स में और पाइप्स फिर बर्स्ट नहीं करेंगे या लीक नहीं करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़े तो पाइपलाइन को डीकपल करें फ्रॉम द सोर्स, जो पाइपलाइन सोर्स से वाटर स्टोरेज तक टैंक तक आता है उसको डीकपल करें सोर्स से, ताकि वो पाइप भी फ्री ऑफ वाटर रहे। एक दूसरा सोल्यूशन है जिसको बोला जाता है सिंगल पाइप कंटिन्यूस सर्कुलेशन सिस्टम। तो इसका मेन जो उपाय है जिस वजह से ये काम करता है वो है कि पाइप पानी को कंटिन्यूसली हम लोग सर्कुलेट करें एक लूप में, फ्रॉम एक पंपिंग स्टेशन से, या आप दो तीन पंपिंग स्टेशन हैं तो उस पानी को लूप करके आप पानी को पंप करते रहें तो पानी कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा और इस वजह से पानी फ्रीज नहीं करता है। उसमें ज़रूरत पड़े तो एक हीटिंग सिस्टम से आप थोड़ा हीट भी डाल सकते हैं पानी में जब ज़रूरत पड़े, बट इसके लिए एक पंपिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम का ज़रूरत है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत है और वो इलेक्ट्रिसिटी पे रिलाई करता है। सॉल्यूशन वन काफ़ी कम बजट में किया जा सकता है, जल्दी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और वो डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी पर, जबकि सॉल्यूशन टू जो है जो हमने बताया वो रिलायबल इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है और इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पंपिंग स्टेशंस और हीटिंग सिस्टम रखना पड़ता है। तो रेकमेंडेड प्रपोजल यही है जिस पर हम कंसंट्रेट करेंगे आज, वो है कि हम सॉल्यूशन वन जो कि पंप बेस्ड ग्रेविटी फेड सिस्टम है घरों तक पानी पहुंचाने का, उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे, वो हम इम्प्लीमेंट करें, ये रेकमेंडेड है। और जब एक स्टडी और इलेक्ट्रिक सप्लाई हो जाएगा तब एक ऑन साइट स्टडी करके हम सॉल्यूशन टू को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन टू कैन बी बिल्ट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन वन का होगा उसी के ऊपर हम सॉल्यूशन टू को बिल्ड कर सकते हैं विद एडिशनल पाइपलाइंस, पंपिंग हाउसेस, हीटिंग अरेंजमेंट के साथ। तो इम्प्लीमेंट करने का है सॉल्यूशन वन, उसमें क्या क्या हमको करना है, वाटर सप्लाई कैसे करेंगे फ्रॉम द सोर्सेज। तो जो सब सोर्सेज का आपने डिटेल देखा है पहले, उससे हम पंप से या ग्रेविटी फीड से वाटर कलेक्ट करेंगे उन्हीं सब सोर्सेज से इनटू द स्टोरेज टैंक्स। अगर नदी से पानी उठाना है तो बोरवेल के थ्रू से हम पंप करके भी उठा सकते हैं या कंटिन्यूस फ्लो से भी कर सकते हैं टू द स्टोरेज टैंक्स। तो पहला वो है कि हम सोर्सेज से, चाहे वो नदियाँ हों या कंटिन्यूस फ्लो सोर्सेज हों, वहाँ से हम स्टोरेज टैंक्स तक पानी को लेके आएंगे। इसके लिए प्री इंसुलेटेड पाइपलाइंस फ्रॉम द सोर्सेज स्टोरेज टैंक्स तक उनको ले करना होगा और प्रोटेक्ट करना होगा फ्रीजिंग, उनको 5 से 6 फीट अंडरग्राउंड ले करके। एक स्प्रिंग कैचमेंट बॉक्स और हेडर टैंक सोर्स के पास बनाया जाएगा ताकि वाटर फिल्ट्रेशन भी हो और हेडर टैंक से आपका जो कभी कभार प्रेशर इंक्रीज कर जाता है काफ़ी स्टीप स्लोप की वजह से, उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम हेडर टैंक भी बनाएंगे। दिन में एक बार डीकपल कर दिया जाएगा पाइपलाइन को सोर्स से, ताकि पाइप के अंदर पानी स्टैग्नेंट ना हो और पाइप्स फ्रीज ना करें। वाटर स्टोरेज, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वाटर स्टोरेज एक बहुत ही अहम हिस्सा है इसमें, और ये इसको हमको बहुत अच्छे से केयरफुली बनाना है विद द नेसेसरी वाल्व्स जो कि इंसुलेटेड वाल्व बॉक्स में रहे। हम इंश्योर करेंगे कि स्टोरेज टैंक्स बिल्डिंग के अंदर हो और माउंटेड हो इंसुलेटिंग कॉन्क्रीट या वुडन बेस के ऊपर, उस पर अर्थ पाइल करके भी इंसुलेट किया जा सकता है। और अगर हम थोड़ा सा हीटिंग कर सकें पानी के अंदर और टैंक के अंदर पानी का या टैंक के हाउसिंग को, तो बहुत अच्छी बात है। वर्टिकल एयर इनलेट पाइप्स रहेंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम ड्रेन कर सकें जबकि स्टोरेज टैंक्स में पानी रहे। और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस तरह, प्री इंसुलेटेड पाइपलाइंस फ्रॉम द स्टोरेज टैंक घरों तक लेट किया जाएगा, जो फ्रीज करने से प्रोटेक्ट किया जाएगा 5 से 6 फीट अंडरग्राउंड। एयर वेंट वाल्व्स लगाए जाएंगे ताकि वाटर पॉकेट्स और एयर पॉकेट्स रिमूव करें और वाटर ट्रैप ना हो। लो लेवल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में और वहाँ पर ड्रेन वेल्स और ड्रेनेज फैसिलिटीज बनाने होंगे। एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे या ज़रूरत पड़े तो दिन में 2 बार पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिक्स टाइम वो किया जाएगा ताकि स्टोरेज टैंक्स तक घरों तक पानी पहुँचाया जाए। हर एक घरों में टैंक होना पड़ेगा ये वाटर कलेक्शन करने के लिए, और जब ये कलेक्शन हो जाएगा सारे दिन का
तब मैनुअली पाइप्स को ड्रेन कर देना होगा। यह कम्युनिटी बेस्ड भी हो सकता है ताकि ये पाइपलाइंस में पानी ना रहे और पाइप्स फ्रीज ना करें। तो ये है सोल्यूशन। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स, ये रेकमेंड किया जाता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि एक कोर टीम फॉर्म किया जाए जिसमें रेसिडेंट एंड बिजनेस कम्युनिटी लीडर्स हो, जल शक्ति ऑफिशियल्स हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो। और ये कोर टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा अलॉन्ग विद अदर पीपल टू मेक अ लोकल प्रपोजल। तो एक मास्टर प्रपोजल जो ऐसा है उससे के बाद लोकल डिटेल्स जैसे सोर्स कहाँ पे है, डिस्टेंसेस, प्रेशर डिफरेंस वगैरह डाल के एक लोकलाइज प्रपोजल हम बनाएं हर एक रीजन के लिए और फिर उसको अप्रूव करें फ्रॉम द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकर्स। आप ये देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी काफ़ी अप्रूवल है, एनकरेजमेंट है, एंथुजियाज्म है। जैसे जल जीवन मिशन का एक मिशन ही है घरों तक पानी पहुंचाना, फिर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑलरेडी कितना काम कर रही है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिलना शायद उतनी मुश्किल बात नहीं है, हमको सिर्फ ये अप्रूव कराना है कि बिल्कुल ठीक प्रपोजल, करेक्ट प्रपोजल, प्रॉपर एस्टिमेट्स हम उसमें डाल के उसको अप्रूव कराएं। इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लगेगा, उसको मेंटेन करने के लिए जो करना होगा, वो जल शक्ति विभाग के लीडरशिप में, हिमाचल प्रदेश के लीडरशिप के साथ रेसिडेंट्स और बिजनेस कम्युनिटी लीडर्स ऑफ ईच रीजन उनका साथ दें, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स सब साथ में आके ये जो कोर टीम हमने बोला, तो ये हमको करने से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अच्छे से और फिर उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है हमको लगता है जल शक्ति और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के लिए और रेसिडेंट्स के लिए कि एक पायनियर बनने का टू सॉल्विंग दिस इमेंस प्रॉब्लम। ये जो एक बहुत भारी समस्या है गांव-गांव में, हमारे देश में बहुत जगहों पर, तो ये सॉल्व करने में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड जल शक्ति विभाग कैन बी अ पायनियर। आप लीड करें इस इनिशिएटिव से और एक रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया हु कैन देन फॉलो इन योर फुटस्टेप्स। क्योंकि यहाँ पे सवाल टेक्निकल पॉसिबिलिटीज का नहीं है, ना ही ज्योग्राफिकल लोकेशन का है और ना ही ये कोई मॉनिटरी क्वेश्चन है, बल्कि ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। ऐसा क्यों है कि आप और मैं जो शहरों में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, हमको नल का खोलते ही अनलिमिटेड पानी मिलता है, जबकि हमारे ही देशवासी, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई को इस अकल्पनीय, असंभव दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है हर एक दिन उनके जीवन के हर एक साल शीतकाल में 3-4-5 महीनों के लिए और ऐसे एक बेसिक जरूरत के लिए। ये उसी हिमालय में रहते हैं जहां हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ट्रैकिंग करने, स्कीइंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। हम रॉकेट्स, सैटेलाइट भेज सक रहे हैं स्पेस में, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के शीर्ष में माने जाते हैं, हमारे देशवासी दुनिया के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज के प्रधान हैं। तो क्या हम हमारे देशवासियों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा सकते सर्दियों में? वे सदियों से चुपचाप पेशेंटली इस अकल्पनीय कष्ट को झेल रहे हैं, तो क्या हम अपने दिलो दिमाग से उनको इस कष्ट से मुक्त नहीं कर सकते हैं? आप और मैं इसको अंजाम दे सकते हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अकेले मेरे से, आपसे, किसी से भी नहीं हो पाएगा, बल्कि सब मिलके टेक्निकल एक्सपर्ट्स, डिसीजन मेकर्स, गवर्नमेंट लीडर्स, हमको ये करना ही है हमारे बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए। आप साथ देंगे ना हमारा? मैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, सब हिमालयन विलेजेस के बाशिंदाओं के तरफ से, आपका कीमती टाइम और आपका अटेंशन के लिए। और एक अर्नेस्ट प्ली, एक अर्नेस्ट विनती करना चाहूँगा कि हम सब मिलके अब इस सिचुएशन को चेंज करें प्लीज़, आज के और आने वाले पीढ़ियों के लिए। और शीतकाल में रोज़ की इस अकल्पनीय, असंभव सी कष्ट से मुक्त करें हमारे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, बहन, भाई सबको, और उनके घरों में पानी जैसे बेसिक नेसेसिटी को पहुंचाए, जैसे कि हमें मिलता है अनलिमिटेड नल का खोलते ही। वो बहुत सालों से आशा लगाए बैठे हैं, आइए हम सब मिलके उनकी इस आशा को अब पूर्ण करें। समय आ गया है कि हम ये बदलाव लाएं। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको।